जय दोस्तों दोस्तों आज आपकी पेंशन तो आपके खाते में आ ही गई होगी जो इस पर्स से पेंशन लेते हैं। हालांकि जो बैंक से पेंशन लेते हैं तो उनकी पेंशन 3-4 दिन पहले क्रेडिट हो चुकी थी उनके खाते में। और ग्रुप में भी कई पेंशनर्स जो हैं आपस में मैसेज डालते रहते हैं, हाँ पेंशन आई नहीं आई, हाँ पेंशन आ गई नहीं आ गई, तो कुल मिलाकर के जानकारियां शेयर करते रहते हैं जिससे कि सबको पता लग जाता है कि हाँ पेंशन आना शुरू हो चुकी है, क्रेडिट हो चुकी है या नहीं हो चुकी। चलो अच्छा लगता है जानकारियां शेयर कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि कुछ पेंशनर्स की इस महीने भी गलत पेंशन आई है। और दूसरा जो मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं, ओआरओपी रिवीजन ऑब्लिक एरियर नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, कई जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनको अभी तक जो है ना ओआरओपी का रिवाइज हुआ पेंशन मिला है और ना ही उसका एरियर मिला है, तो इसके बारे में बताऊंगा। और अगला दोस्तों एक इंपॉर्टेंट खबर और है, जेएसओ और जवानों को हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे और अधिकारियों को मिलेंगे 20,000 रुपए। तो दोस्तों एक एक करके पॉइंट्स को कवर करता हूं। सबसे पहला पॉइंट जो है मेरा कि कुछ पेंशनर्स को इस महीने भी गलत पेंशन मिली है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक विद्याधर नायक जी हैं, इन्होंने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट के माध्यम से लिखा है कि आफ्टर ओआरओपी सेकेंड रिवीजन स्पर्स पीसीडीए इज क्रेडिटिंग पेंशन इनकरेक्टली टू ऑल रिटायर्ड पीओज ऑफ द इंडियन नेवी, मेकिंग देम वन रैंक डाउन एलडीजी। दिस मंथ ऑल्सो द मिस्टेक रिपीटेड, हु शुड बी आंसरेबल फॉर दिस क्राइम। तो जो नायक साहब हैं इन्होंने लिखा है कि ओआरओपी सेकेंड रिवीजन के बाद भी जो है जो पैटी ऑफिसर हैं, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जानकारी में दोबारा से डाल देना चाहता हूं कि जो नेवी के पैटी ऑफिसर्स हैं, जब स्पर्स में माइग्रेशन होने के बाद इनका कॉरिजेंडम पीपीओ जारी हुआ तो उसमें जो है इनका रैंक आर्टिफिशर 5 दिखाया गया। जबकि दोस्तों जो आर्टिफिशर 5 होता है लीडिंग सीमेन, यह जो है नायक रैंक के इक्विवेलेंट होता है, जबकि पैटी ऑफिसर होता है दोस्तों हवलदार के इक्विवेलेंट। तो जब कॉरिजेंडम पीपीओ जारी हुआ तो एक हवलदार को नायक के बराबर कर दिया गया, हालांकि उसकी ओआरओपी की रिवीजन कर दिया गया लेकिन नायक के बराबर। बाद में दोस्तों इस पर काफी सवाल उठे थे, कई लेटरबाजी अभी भी, कई कंप्लेंट भी डाली गई और पीसीडीए की तरफ से भी जवाब आया था कि जल्द ही इसे ठीक कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसे ठीक भी किया गया, ऐसा नहीं कि पीसीडीए की तरफ से इसे ठीक नहीं किया गया, उन्होंने काफी मात्रा में जो है इस रैंक के जो पीपीओज हैं वह सही भी किए हैं। लेकिन पिछले महीने मुझे कुछ कमेंट्स आए थे और मुझे उन्होंने पीपीओ भी भेजा था अपना कि हमारा जो है रैंक तो ठीक कर दिया गया आर्टिफिशियर 5 की जगह पर पैटी ऑफिसर कर दिया है, लेकिन हमारी पेंशन इसके अकॉर्डिंग पैटी ऑफिसर के अकॉर्डिंग रिवाइज नहीं की गई है, अभी भी हमको जो है आर्टिफिशियर 5 यानी कि नायक के बराबर ही पेंशन दे रहे हैं। और दोस्तों इसमें आपको बता देना चाहता हूं, कई जो पेंशनर हैं उनका तो सही हो चुका है और कुछ पेंशनर्स का प्रोसेस में है। तो दोस्तों अगर देखा जाए यह कोई पेंशन की विसंगति नहीं है या ओआरओपी की विसंगति नहीं है, अगर आप इसे समझें तो क्लैरिकल मिस्टेक समझ सकते हैं जो कि बहुत बड़े पैमाने पर हुई है और उसको ठीक किया जा रहा है और ठीक भी किया जाएगा, इसके आप हकदार हैं, तो इसमें आपको इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनका भी अभी पेंशन जो है उनका कॉरिजेंडम पीपीओ पैटी ऑफिसर के रूप में नहीं आया है तो वो अभी भी जो है अपने ग्रेवांसेज सीप एंड ग्राम या पीसीडीए के लिए डाल सकते हैं, ताकि जिनका भी अभी तक जो है यह रैंक नहीं सुधार हुआ है तो इसमें भी जो है जल्दी से जल्दी सुधार हो और आपको सही पेंशन मिल सके। अगला दोस्तों, कई पेंशनर मुझे पूछ रहे थे कि सर अभी तक जो है ना हमारा ओआरओपी का एरियर ही मिला है और ना ही इवन की हमारा ओआरओपी रिवीजन हुआ है। तो दोस्तों इसी प्रकार से एक पेंशनर मेरे पास आए थे, उन्होंने जो है मुझे अपना पीपीओ दिखाया, सब कुछ मैंने उनको देखा और चेक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एवरेज से ज्यादा पेंशन ले रहे हैं, लेकिन वो हवलदार थे 21 साल करके आए थे। तो जब मैंने उनका पीपीओ चेक किया और सारी डिटेल चेक की तो मैंने पाया कि वो अभी भी जो है पुरानी ही पेंशन ले रहे हैं, वो अभी बैंक से पेंशन ले रहे हैं और उनका अभी तक ओआरओपी का रिवीजन बड़ी हुई जो पेंशन है वह नहीं हुआ है और ना ही उसको एरियर मिला है। यानी कि दोस्तों इस प्रकार के कई पेंशनर हैं, तो दोस्तों जो जो स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं इस प्रकार के पेंशनर, तो उनका तो ऑलमोस्ट रिवीजन हो ही चुका है और तकरीबन सबको जो है जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो मिल भी चुका है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए थे, जो निर्देश दिए थे गवर्नमेंट को, तो उसका एक शेड्यूल तैयार किया था, तो उस शेड्यूल के हिसाब से गवर्नमेंट को जो है ओआरओपी का एरियर
पे करना था, तो जो फैमिली पेंशनर्स और अवार्ड विनर पेंशनर्स थे उनको 30 अप्रैल तक जो है पूरा का पूरा एरियर पे कर दिया जाना था। और आप सोच रहे होंगे तो हमको कम से कम एक इंस्टॉलमेंट तो मिल जानी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों अभी भी बैंक से जो पेंशनर ले रहे हैं तो उन हालांकि काफी लोगों को मिल चुका है पहला इंस्टॉलमेंट, लेकिन काफी पेंशनर ऐसे हैं जिनको नहीं मिला है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको थोड़ा रिवाइज भी करा देना चाहता हूं, रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, तो 30 जून 2023 तक जो 70 साल से ऊपर के पेंशनर्स हैं तो उनके खाते में जो है पूरा का पूरा एरियर आ जाएगा। और अगली चीज दोस्तों, जो इसके अलावा जितने भी पेंशनर्स हैं यानी कि फैमिली पेंशनर्स, अवार्ड विजेता पेंशनर और 70 साल से ऊपर के पेंशनर को छोड़ करके जो भी पेंशनर बचते हैं, हालांकि ज्यादातर को जो है पहली किस्त मिल चुकी है और रिवाइज भी हो चुकी है, लेकिन कुछ बैंकों के द्वारा अभी तक उनको जो है नहीं मिला है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो पहली जो किस्त इनको मिलनी है 31 अगस्त से पहले पहले मिलनी है, दूसरी 30 नवंबर से पहले, और तीसरी और फाइनल जो है 28 फरवरी 2024 से पहले पहले मिल जानी है। यानी कि दोस्तों 31 अगस्त बोलने का मतलब यह है कुछों को तो मिल चुका है, कुछों को इस महीने जो है रिवीजन हो जाएगा बैंकों के द्वारा भी, वो भी लगे हुए हैं इस कार्रवाई में, क्योंकि उनके पास जो 31 अगस्त का समय है, इसलिए जो है आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि 31 अगस्त से पहले हो सकता है इसी महीने कुछ लोगों का जो है रिवीजन होके एरियर आ जाए, कुछों का अगले महीने आए। तो कुल मिलाकर के 31 अगस्त से पहले पहले जिनका भी रिवीजन नहीं हुआ है और जो भी ओआरओपी सेकेंड रिवीजन के जो फिक्स की गई है उससे कम पेंशन ले रहे हैं, एवरेज से कम पेंशन ले रहे हैं, तो उनका जो है 31 अगस्त से पहले पहले रिवीजन होकर के पहली किस्त उनके खाते में आ जानी है। और अगली दोस्तों जो एक इंपॉर्टेंट खबर है, आप देख रहे होंगे दोस्तों 24 मई 2023 का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का यह लेटर है, और इसका सब्जेक्ट देख रहे होंगे दोस्तों आप, रेगुलेशन ऑफ पेमेंट ऑफ ड्रेस अलाउंसेज टू आर्म फोर्सेज पर्सनल ज्वाइनिंग सर्विस आफ्टर 1 जुलाई ऑफ अ ईयर रिगार्डिंग इन कंटिन्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री लेटर नंबर सो एंड सो द एबो सब्जेक्ट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट द रेट ऑफ ड्रेस अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्म फोर्सेज पर्सनल ज्वाइनिंग सर्विस आफ्टर 1 जुलाई ऑफ अ ईयर शैल बी एज फॉलोज। रेट ऑफ ड्रेस अलाउंस यानी कि दोस्तों जो सेना में नौकरी कर रहे हैं, जो सर्विंग है, तो उनके लिए यह है कि जो इनको ड्रेसें मिलती थी, आपको पता ही हम भी लेते थे बटालियन स्टोर से, तो इनका जो है अब जो है इनको ड्रेस का अलाउंस मिलेगा हर साल का, जुलाई से शुरू होगा, जुलाई से जून तक का जो है रखा गया है इसमें, तो इनके खाते में जो है जुलाई में यह पेमेंट आ जाएगी। तो ऑफिसर्स का इसमें 20,000 प्रति साल का रखा गया है, एमएनएस जो ऑफिसर है उनको 15,000 और जेसीओ ओआर को जो है 10,000 रुपए पर एनम का जो है ड्रेस अलाउंस दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो कहा गया है कि यह जो है जुलाई से शुरू होगा, यानी कि जुलाई के महीने में जो है यह जवानों जेसीओ अधिकारियों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और दोस्तों क्रेडिट भी कैसे होगा, आप देख रहे होंगे कुछ प्रोरेटा बेसिस पर भी होगा। अगर सपोज जो है कोई जवान जो है यूनिट को ज्वाइन करता है अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में, तो जब उनको जुलाई में उसका पेमेंट होगा, तो जब उन्होंने ज्वाइन किया होगा तो उतने महीने का जो है इस हिसाब से निकाला जाएगा। आप देख रहे होंगे जेसीओ जवान, सपोज अगर ये जो है दिसंबर में ज्वाइन करते हैं यूनिट को, तो इनको मिलेगा दोस्तों दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि 7 महीने का इनको मिलेगा। और 7 महीने का किस प्रकार से मिलेगा, 10,000 में से 12 का भाग कर देंगे, जितना भी आएगा उसमें से 7 की गुणा कर देंगे और उतना जो है उनको ड्रेस अलाउंस के रूप में उनके खाते में आ जाएगा। और अगले साल से तो जो है कंटिन्यू फिर जो है आता ही रहेगा। उसी प्रकार से जो है एमएनएस ऑफिसर और जो ऑफिसर्स हैं, इनका जब भी इसके लिए भी जो शर्त दी गई है कि जो अधिकारी और एमएनएस ऑफिसर्स हैं तो वो जब भी कमीशन होते हैं तो वो डेट काउंट होगी, जबकि जेसीओ और ओआर टिल द मंथ ऑफ जून ऑफ फॉलोइंग ईयर रिपोर्टिंग टू दी यूनिट, जब वो यूनिट में रिपोर्ट करते हैं तो तब से उनका जो है वह महीना काउंट हो जाएगा ड्रेस अलाउंस के लिए। और दोस्तों दिस ऑर्डर शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ दिस लेटर, यानी कि जो ऑर्डर है इस लेटर के इशू होने के बाद जो है इफेक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।